हेलो एवरीवन, अगर आप अभी तक सोच सोच के इंग्लिश बोलते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आप फर फर इंग्लिश बोलें, तो मेरे साथ इन छोटे छोटे अल्फाज की प्रैक्टिस लाजमी कर लें, क्योंकि बग़ैर प्रैक्टिस किए फर फर इंग्लिश बोलना मुमकिन नहीं है दोस्तों। यूं ही बआसानी इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल दानिश TV LY को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। आइए हमारे आज के सबक का आगाज़ कर लेते हैं। शादी से मुतल्लिक इंग्लिश अल्फाज। तलाक, डाइवोर्स। तलाक, डाइवोर्स। जी दोस्तों, हम एक वर्ड को दो मर्तबा प्रोनाउंस करेंगे, ताकि आपको ठीक तरह से समझ आ जाए। शादी में जाना, जाइन इन मैरिज। शादी में जाना, जाइन इन मैरिज। रिश्ते की पेशकश, प्रपोजल। रिश्ते की पेशकश, प्रपोजल। ज़ौजा, शादी करना, एस्पाउस। ज़ौजा, शादी करना, एस्पाउस। शादी के बाद की तफरी, हनीमून। शादी के बाद तफरी, हनीमून। जहेज, डाउरी। जहेज, डाउरी। मंगनी, एंगेजमेंट। मंगनी, एंगेजमेंट। शादी का जोड़ा, वेडिंग गाउन। शादी का जोड़ा, वेडिंग गाउन। जेवरात, ज्वेलरी। जेवरात, ज्वेलरी। तयशुदा शादी के लिए दोस्तों हम लगाते हैं अरेंज्ड मैरिज, और प्यार की शादी के लिए लव मैरिज। तयशुदा शादी के लिए अरेंज्ड और प्यार की शादी के लिए लव मैरिज इस्तेमाल करते हैं। कुर्सियों के दरमियान का रास्ता, एसल। कुर्सियों के दरमियान का रास्ता, एसल। शादी का खैमा, वेडिंग टेंट। शादी का खैमा, वेडिंग टेंट। लड़की का मंगेतर, फियांसे। इसमें आखिर में सिंगल ई आना है। लड़की का मंगेतर, फियांसे। लड़के की मंगेतर, फियांसे। लड़के की मंगेतर, फियांसे। इसमें डबल ई आना है। रस्म व रिवाज, रिचुअल्स। रस्म व रिवाज, रिचुअल्स। बारात की आमद, अराइवल ऑफ बारात। बारात की आमद, अराइवल ऑफ बारात। बारात की रवानगी, डिपार्चर ऑफ बारात। बारात की रवानगी, डिपार्चर ऑफ बारात। सेराबंदी, हेडरेस सरमनी। सेराबंदी, हेडरेस सरमनी। मेहंदी की तकरीब, हिना फंक्शन। मेहंदी की तकरीब, हिना फंक्शन। मेहंदी वाले हाथ, एडॉर्न्ड हैंड्स। मेहंदी वाले हाथ, एडॉर्न्ड हैंड। मेहंदी वाले हाथ, एडॉर्न्ड हैंड्स। छुआरे, ड्राइड डेट्स। छुआरे, ड्राइड डेट्स। साली, सिस्टर इन लॉ। साली, सिस्टर इन लॉ। कंवारा, बैचलर। कंवारा, बैचलर। हेलो एवरीवन,